हम यूट्यूबर्स ना बहुत हरामी होते हैं। कोई भी प्लेयर जब गंदा खेलता है तो हम उसको उठा के बोल देते हैं, अरे ये बहुत गंदा प्लेयर है, बहुत फालतू घटिया प्लेयर है, इसको बेच दो। और तब उस दिन हमारा व्यूज आ जाता है, क्योंकि ऑडियंस को लगता है यार इसमें तो कितना बॉल नॉलेज है, ये तो गंदे प्लेयर को गंदा बोल रहा है, इसको तो पता है। और जब वो प्लेयर अच्छा खेलने लगता है तब हम लोग अच्छा बोल देते हैं, और फिर तुम लोगों को लगता है कि यार इसको तो बॉल नॉलेज है, ये तो अच्छे प्लेयर को अच्छा बोल रहा है, तो इसमें तो ज्ञान होगा, चलो सब्सक्राइब कर देते हैं। अब ये सिनेरियो मेरे केस में नहीं होता, क्योंकि मेरे व्यूज ही नहीं आते, ठीक है, तो सब्सक्राइबर भी नहीं आते, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी तरीके से मैंने भीख मांग ली है। अब चलो बात करेंगे आज की गेम की। सो क्या आज रफीना ने बहुत ही परफेक्ट गेम खेला? क्या रफीना ने आज साबित कर दिया कि ही इज नॉट फेक ब्राजीलियन, वो एक असली ब्राजीलियन है? बिल्कुल नहीं, जहां भी नहीं। आज उसने गोल स्कोर किया, उसने एसिस्ट प्रोवाइड किया, उसने की पासिस दी, उसने सब कुछ किया। और आज उसको एक नहीं दो नहीं हैट्रिक कर देना चाहिए था उसको, जितना बढ़िया वन ऑन वन मौका मिला था विद द कीपर। और ये उसके लिए स्टेटमेंट होता, क्योंकि पता है ही गॉट द रेड कार्ड पहला गेम ऑफ लालीगा वर्सेस हेटाफे। दैट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग गेम्स। पूरा जो मैच का रिजल्ट था वो हमारे अगेंस्ट गया है। सो आई विल से बार्सिलोना वर्सेस हेटाफे, दिस इज अ स्टेटमेंट विन फॉर बार्सिलोना। पर यार रफीना ने आज अच्छा किया अकॉर्डिंग टू गट्टूसो। समटाइम्स मे बी गुड, समटाइम्स मे बी सीथ, दैट इज रफीना टुडे। और उसने आज क्यों इतना बढ़िया खेला, उसने आज क्यों पोजिशनली वो इतना बढ़िया था कि वो रन को पिक कर रहा, सॉरी उसका रन को पिक कर रहे थे हमारे प्लेयर्स, क्योंकि हेताफे वॉज प्लेइंग हाई लाइन। और हम देखते हैं कि लालिया के लगभग लगभग हर टीम यूज टू सिट बैक, पूरा लो ब्लॉक बैठ जाती है और हरामी पंती करती है। और रफीना जब लीड्स में खेलते थे तब हमको उनका एक ऐसा गेम देखने को मिलता था, क्योंकि इन प्रीमियर लीग टीम यूज टू प्ले हाई लाइन, काउंटर प्रेसिंग फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद करती है, बट लालिगा में दैट्स डिफरेंट। सो अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स रफीना इज स्टिल शिट। बात करेंगे थोड़ी सी डिफेंस है, आज हमने बढ़िया क्या किया। कुंडे वॉज वेरी गुड, उसने बहुत ही बढ़िया लॉन्ग बॉल्स डाले हैं। पहला जो एसिस्ट है रफीना का वो उसने किया है, उसके बाद ही ऑल्सो पिक सम गुड प्लेयर्स, लाइन ब्रेकिंग पासेस एब्सोल्युटली अमेजिंग, ही इज अ मेकशिफ्ट राइट बैक एंड ही डिड हिज जॉब परफेक्टली। बात करेंगे थोड़ी सी पाव कुबर्स की, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ही हैज जस्ट डेब्यूड, 3, 4 या 5 मैचेस हुए हैं हार्डली, और उसके जो लाइन ब्रेकिंग पासेस है, ओ मैन दैट इज अमेजिंग। क्या होता है कि जब आपका डीएम बॉल को उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, डीएम का क्या क्या काम है, सोक द प्रेशर एंड डिस्ट्रीब्यूट द बॉल। बट क्रिस्टेंसन टुडे एट द स्टार्टिंग ऑफ द गेम वॉज सॉलिड डिफेंसिवली, बट वो जो बुस्केट्स वाला रोल है जो कि बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने उतना बढ़िया नहीं कर पाया स्टार्टिंग में, बट पाव कुबर्सी टुक इट ऑन हिज शोल्डर्स एंड ही डिड द अमेजिंग पार्ट। उसने बहुत ही बढ़िया लाइन ब्रेकिंग पासेस दिए हैं, जिससे पूरा जो प्रेस है गेटाफे का वो कैंसिल आउट हो गया है। और जो फोर्थ गोल था उसमें उसकी उसी का पास फ्रेंकी डियंग को, एंड दैट क्रिएटेड द गोल, अमेजिंग। एंड आई ऑलवेज से दिस, इफ फ्रेंकी इज नॉट योर डीएम, ही इज नॉट योर नंबर सिक्स जो कि एक परफेक्ट डीएम का काम करे, नो, आप उसके बिसाइड एक डीएम रख के उसको थोड़ा सा अपटॉप खिलाओगे, देन यू विल सी हिज पोटेंशियल, देन यू विल अनलीज द बीस्ट ऑफ फ्रेंकी डियंग। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड इन द सेकेंड हाफ। क्रिस्टेंसन ग्रीव इनटू द गेम, उसने टैकल्स किया, उसने इंटरसेप्शन किया, उसके साथ साथ उसने बॉल को भी डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड फ्रेंकी बीइंग अ कैरी लेरो, दैट मींस कि ही इज अ एक्सीलेंट बॉल कैरियर, बॉल कैरिंग मिडफील्डर है वो, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है फ्रेंकी डियोंग। और उसने मतलब तुम उसको ऐसे बोलोगे कि यार यहाँ से बोला दौड़ जा, ऐसे दौड़, तो वो दौड़ता तो गिर जाएगा, पर तुम उसको एक बॉल दे दोगे इससे दौड़ भाई इससे दौड़, तो वो ऐसे 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 दौड़ेगा और वो एक बढ़िया काम करेगा। This is the role of Frankie Dion. He is one of the best ball carrying midfielders in the world. I'm not even kidding. Show me one another ball carrying midfielder as good as Frankie, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, नहीं करूंगा। और क्या ही बताऊं यार, लामिन यामाल को बेंच पे देख के बहुत ही खुशी हुई, लाइक जो जावी हैज फाइनली फाइनली डिसाइडेड कि हम चाइल्ड लेबर बंद कर देंगे, हम थोड़ा सा बड़े जो बुढ़े लौंडे हैं उसको भी खिलाएंगे। और आज बहुत अच्छी बात है, लेकिन लामिन यामाल मेरा 16 साल का छोटी बच्ची, उसको ड्रेस मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। वो उधर से मैथ्स क्लास करेगा, उधर कॉलेज जाएगा, वो भी लड़की पटाएगा, ये सब करेगा वो, उसके लिए उसको टाइम दो जावी, ठीक है, ऐसे हरम खोरी मत करो। और आज मतलब रफीना ने अपना काम कर दिया है, ऐसी बात नहीं है, चांसेस तो बहुत ज़्यादा मिस किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसने आज प्रॉपरली आईशू स्पीड को एक मतलब ट्रिब्यूट दिया है, बिल्कुल बढ़िया ट्रिब्यूट दिया उसने। और यार जोक्स असाइड, आई एम हैप्पी कि आज हमने 4 गोल मारा है, और अगेंस्ट दैट हरामी टीम हेताफे, एंड आफ्टर द फर्स्ट लीग गेम हमने आज उनको स्मैश किया है, सो आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा बहुत दिन देखने को नहीं मिलता कि हम 4 गोल मार सकते हैं और एक भी गोल कंसीड नहीं करते, सो दैट्स अ गुड डब्ल्यू फॉर बार्सिलोना। जो नेक्स्ट फिक्स्चर्स है वो काफी टफ है, एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट है, जिरोना के अगेंस्ट है, उसके बाद एथलेटिको मैड्रिड, मैड्रिड, सारे ही फिक्स्चर्स आने वाले हैं। सो लेट्स होप फॉर गुड परफॉर्मेंस लाइक दिस, लेट्स गो विस्का एल बार्सा।